वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुरुवार को साल 2004 से 2014 तक यूपीए शासन के दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करने के लिए श्वेत पत्र पेश किया। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव देव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को सही जानकारी नहीं दे रही है और कहानियों के आधार पर लोगों को गुमराह करके प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आंकड़ों के अनुसार यूपीए काल के दौरान 10 वर्षों में जीडीपी वृद्धि अन्य सरकारों और वर्तमान सरकार की तुलना में बेहतर थी। सारे रिकॉर्ड ये कहते हैं, अब तो इन्हें रिकॉर्ड ही नहीं रखे। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सही जानकारियां लोगों तक नहीं पहुंचाना है और कहानियों के आधार पर लोगों को गुमराह करके उनको प्रभावित करना है, तो अब किसी प्रकार की इंडिपेंडेंट एजेंसी की जानकारियां ही नहीं प्रकाशित की जा रही। ये सोचा नहीं जा सकता था, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि सेंसस जैसी प्रक्रिया देश में अपनाई ही नहीं जाएगी। आज हम ये देख रहे हैं कि सेंसस ही नहीं कराया गया, तो जो सरकार जो फासिस्टवादी सोच की बुनियाद उनके संगठन की है वो ऐसा ही काम करती है और कर सकती है। तो आप बाकी देखें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, कोई भी डाटा जो बेस के आधार पे है अवेलेबल नहीं है, और हर डाटा जो उपलब्ध है वो ये कहता है कि यूपीए के समय 10 साल में जो जीडीपी की वृद्धि हुई वो अन्य सरकारों की तुलना में, वर्तमान सरकार की भी तुलना में बेहतर रही है।